हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी यादोरम्बे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले कुछ इस तरह का होली का ग्रुप पोस्टर जो आप स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आपको सेम टू सेम इसका आपको पीएलबी फाइल देखने को मिलेगा। पीएलबी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए एप्लीकेशन का आपको ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। जो पासवर्ड वीडियो में आपको दो स्ट्रीम में फुल वीडियो जरूर देखिएगा और पासवर्ड आपको वीडियो में दो स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। अब मैं बता दूं, पीएलबी फाइल आप डाउनलोड करके और अनजिप करने के बाद कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आज मैं डिजाइन बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंज करना, कैसे फोटो लगाना, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एप्लीकेशन पहले से ही ओपन है। तो इस पिक्सल है, इसका नाम है पिक्सल एप्लीकेशन, जो इसके बाद नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर ले और उसको आपको पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहले आप ओपन पहली बार करेंगे तो यहाँ पर न्यू टेस्ट दिखेगा, इसको आपको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के बाद आपको मैं बता दूं, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर थ्री आइकन पे क्लिक करना होगा। जो फाइल आपने अनजिप करके रखा है उसको अनजिप करके छोड़ देना, उस पर क्लिक नहीं करना है, ऐसा वरना आपको वायरस की तरह दिखेगा। आपको उसमें आपको पीएलबी फाइल ऐड करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ पीएलबी फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करके थ्री आइकन पे क्लिक करो तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ओपन पीएलबी फाइल का ऑप्शन, इस पर टैप करना है। तो मेरा पीएलबी फाइल पहले से यहाँ पर होली पोस्टर ऑन करके सेट है तो उसको हम पहले इसको डिलीट करेंगे। और जो फाइल आपको मैंने दिया था अनजिप करने के लिए, उस फाइल पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डॉट पीएलबी का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर थ्री यहाँ पर आयरो का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फोर प्रोफाइल आपका खुल जाएगा, फाइल मैनेजर, तो उसमें आपको नीचे जाना है, जहाँ भी आपने जो उसको आपने अनजिप किया उस फाइल को, उस फाइल का नाम है होली पोस्टर, ठीक है, होली ग्रुप पोस्टर, ठीक है। यहाँ पर देखने को शो कर रहा है, इस पर आपको आना, सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो एक पीएलबी फाइल आपको देखने को करेगा, कुछ इस तरह से आपको नीला साथ दिखेगा। तो इस पर आपको एक बार टैप करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन और दिखेगा ओपन एंड ऐड का ऑप्शन देगा, इस पर टैप करना है। तो एक बार आपको नोटिफिकेशन कहेगा तो ओके करके एक बार बैक बटन दबा देना है, आपका पीएलबी फाइल यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पर डुओ पे क्लिक करना होगा और जो जो चीज़ आपको यहाँ पर लॉक नज़र आए उसको अनलॉक कर लेना है, बाकी और कुछ को यानी छेड़ना नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो उसी उसी चीज़ को आपको यहाँ पर अनलॉक रखना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अनलॉक का मतलब ये आपका कोई हर चीज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हम सारा का सारा जो जो चीज़ आपको हमको यहाँ पर चेंज करना है उसको हम अनलॉक रखते हैं, बाकी और सब चीज़ को लॉक ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर डुओ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जैसे होल लिखा है, डीजी फंड है, ये आपको मैंने पीएनजी बनाया है तो पीएनजी ही सेलेक्ट किया, ये चेंज नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नॉर्मल हिंदी फंड है आप सभी देशवासियों को और नीचे के पावन पर्व पर को के पावन पर्व पर पर्व पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के आपको कुछ इस तरह का पीएनजी देखने को मिल जाएगा, जितना चीज़ यहाँ पर चेंज करना चाहते हो सब चीज़ चेंज कर सकते हो। अब बात आ जाती है आपको फ़ोटो कैसे लगाना है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको पहले आपको फ़ोटो को यहाँ से डिलीट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक फ़ोटो डिलीट करके दूसरा फ़ोटो हम लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरह से नाम पे ही टैप करके हिंदी नॉर्मल है, आपको जैसे इसको डिलीट करके अपना नाम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ इस तरह से नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो डिलीट करके दूसरा फ़ोटो आपको लेना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना होगा। उसके बाद पाँचवें स्थान पर फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दे रहा है, जहाँ भी आपने फ़ोटो सेलेक्ट करके रखा और फोटो रखे होंगे उस फाइल पर जाना है तो उसके लिए डू थ्री आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम अपना यहाँ पर फोटो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया कुछ फ्रेंड का फेसबुक से, ठीक है। तो हम फेसबुक पे ऑप्शन जाएगी जहाँ पर आपने फ़ोटो रखा उस पहले फाइल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ इस बंदे का सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको कुछ इस तरह से साइज का आपको वन बाई वन कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे यानी छोट करेंगे यहाँ पर से नीचे वाले तीर पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर से अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर फ़ोटो को लेकर आना है और उसके बाद आपको अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज करना है जितना छोटा बड़ा बड़ा करना है उसके लिए। अब यहाँ पर स्ट्रोक कैसे देंगे, वाइट सा जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रोक दिख रहा है इस वाले फ़ोटो में, उसको देने के लिए आपको यहाँ पर बीच वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर बीच में ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको नीचे जाना है, एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रोक का, तो इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर से इनेबल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वाइट सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कलर वाइट ले लेना है, वाइट कलर लेने के बाद
आपको यहाँ से हम स्टॉक के चार कर देंगे, यानी चार पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को शैडो का, तो शैडो पे क्लिक कर देंगे और शैडो को इनेबल कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा शैडो कुछ इस तरह से उस फोटो पे लग गया है। अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ कहीं दूसरे टाइप का, यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्फेक्टेड दिख रहा है। इसी प्रकार के यहाँ पर मैंने कुछ सोशल मीडिया लिखा, नंबर वन प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिजाइनर एंड एडिटर लिखा हो, आगे अपने कंपनी का नाम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ना लिखे हैं, तो इसको आप डिलीट करके दूसरा भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपको हर चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डुओ पे क्लिक करेंगे, आप चाहते हो ऊपर का माला वाला सब चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, इसी प्रकार हर चीज़ चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से सब कुछ चेंज करने के बाद आपको मैं बता दूँ आपको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना होगा और सेव पैन इमेज का ऑप्शन देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का पहला फाइल आपको दिखेगा जीपीजी, तो उसके जीपीजी रहने देना है। उसके बाद आपको क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी पर क्लिक करना है। यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखने को बहुत ही प्रोफेशनल है, आपको अल्ट्रा करना है। अल्ट्रा का मतलब फुल एचडी क्वालिटी होती है, अल्ट्रा पे कर लेना है। और यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन देख लेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको हमारा पीली फाइल पीएनजी फाइल आल मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।